महादेव की जय। हेलो नमस्कार एंड जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले तो आप सबको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और आज हम जो है शिवरात्रि को सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो आपको आज के इस व्लॉग में हम ये शेयर करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद हम एक बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, अरेंजमेंट जो हो रही है अभी। तो चलते हैं जी, जाकर आपको सारा कुछ दिखाते हैं। तो व्लॉग पूरा एंड तक देखना है, एंजॉय करना है आप लोगों ने। और जितना भी फंक्शन हम करने वाले हैं शिवरात्रि का, कि हम शिवरात्रि की पूजा कैसे करते हैं और सेलिब्रेट कैसे करते हैं पाकिस्तान में रहकर, सारे हिंदू एक जगह पर इकट्ठे होंगे हम, एक महसूस जगह होती है हमारे वहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पर हम शिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। तो जाने वाले हैं अभी वहाँ पर, और जाकर जो है हमने जाकर मतलब के सारा काम वगैरह जो अरेंजमेंट हमने ही करनी है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं, नहाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और जाकर जो है महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करते हैं। भाई तो बहुत ही ज़बरदस्त व्लॉग होगा और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज। तो चलते हैं जी सबसे पहले, और आज मैंने अपनी बाइक को भी एकदम से रेडी कर दिया भाई। ये देख लें जी, इसकी सर्विस वगैरह भी मैंने करवा ली है एकदम से ना भाई, तो अभी चमक रही है, ठीक है। और इसकी ट्यूनिंग सर्विस सारा कुछ हो चुकी है आज। तो अभी चलते हैं, इसी पर हम जाएंगे और जाकर जो है महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करेंगे। हाँ तो जी दोस्तों, नहा धोकर भाई रेडी हो चुके हैं और कपड़े वगैरह भी नए पहन लिए हैं। ये कपड़ों का सूट मैंने नया सिलवाया था और ये जैकेट भी आज ही लगाई है, ठीक है ना। ये लाहौर से लेकर मैं आया था, बल्कि मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे गिफ्ट दी थी लाहौर से, ठीक है ना, लाहौर से उसने मुझे गिफ्ट दी थी। तो आज ही मैंने इसे पहन के चेक किया, एक साल हो गया ये पड़ी हुई थी, मैंने सोचा भाई अब इसको पहन लेते हैं। और आपने कमेंट करके बताना है ये कैसी लग रही है मैं, और ये नए कपड़े वगैरह ये कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं जी अभी, और अभी जाकर वहाँ पर सारा प्रोग्राम दिखाएंगे, बहुत सारे भक्तों से भी मिलवाएंगे, बहुत सारे बच्चे भी होंगे वहाँ पर, बहुत एक्साइटेड होगा माहौल। और नज़दीक ही है हमारे वैसे तो हम वहाँ पर जाकर जो है शिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। और हमारे इधर ना काफ़ी सारे बच्चों ने ना शिवरात्रि का जो बर्थ होता है वो भी इधर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इधर मंदिर वगैरह नहीं था तो कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा, एक गाँव है वहाँ पर बड़ा फंक्शन होने वाला है, बड़ी पूजा पाठ होने वाली है। तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं और वहीं पर जाकर पूजा पाठ भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाएँगे। तो जी दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं जी जहां पर शिवरात्रि का सेलिब्रेशन होगा, और यहां पर जो है भोजन तैयार किया जा रहा है। जितने भी हमारे भक्त संत आए हुए हैं जी, सबके लिए भोजन जो है तैयार हो रहा है। और ये सेवादार इधर खड़े हैं जी, सेवा कर रहे हैं जो भी मेहमान आ रहे हैं। राम राम भाई। राम राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है। प्रेम कुमार सेवादारी है जी, ये सेवा करता है जो भी आता है, बच्चे वगैरह भी आज बहुत ज्यादा। इनका नाम पूछो, इनका भी पूछो, ये एक सेवादारी है भाई। आपका क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार, आपका? विक्रम राम। विक्रम राम, पढ़ते हो स्कूल में? अच्छा अच्छा, जय राम। जय श्री राम। जय राजी, ठीक ठाक कृपा थोड़ा ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक, भक्तों भक्तों संतों ने सेवादारियों ठीक मालक ठीक हो, बड़ी कृपा। ये है जी हमारे सेवादारी भगत हैं और बहुत ही अच्छे भगत हैं, ये आज मेहमानों की सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे ना। ऐसे ऐसे। और आज ये मतलब भोजन में क्या क्या तैयार हो रहा है? भोजन में चेकअप कर लो साहब, भोजन में क्या क्या तैयार हो रहा है? चावलों की एक देख दाल की, दाल की चावलों के ऊपर दाल 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 डाल कर देंगे, बिरयानी बना बना के। हाँ तो ये भोजन का तैयार हो रहा है जी। प्रसाद है भाई, कढ़ाई को नल दमा है, भोजन का प्रसाद भोजन आप दाल ये देखने भाई महाराज को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय बोलो शिव भोले की, जय बोलो शंकर भगवान की, जय हो। अब लाइट का बंदोबस्त हो चुका है तो अब वीडियो ज़रा साफ आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये देख लेंगे, जितने भी लोग आए हुए हैं अभी यहाँ पर बैठ कर भोजन करेंगे जी। तो
अब जो है ना लाइट के जरिए वीडियो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। हमारे जितने भी भगत यहाँ पर बैठे हुए हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या शिव भोले का चल रहा है भाई? अच्छा, शिवरात कैसे मना रहे हैं आज आपको? बहुत खुशी से मना रहे हैं आज तक। बहुत कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी आज तक, बहुत खुशी हुई आज। तो ये तो गाइस यहाँ पर होने वाली है भक्ति। तो हमारे भगत अभी भोजन वगैरह कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया कहाँ से आए हो? यहीं से भाई, इसी इलाके के हैं? त्रंडा सोए खान से, यानी मेरे इलाके से हैं आप भी। तो ये भाई भी आए हुए हैं इधर, और हमारे और भी बहुत सारे भगत आने थे कुछ, यानी के लेकिन वो नहीं आ पाएंगे आज, ठीक है ना। अवनासी कटे जम की फांसी, हर हर महादेव, ओम भूर भवे, Oh,
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह हो चुकी है और सारी रात यहाँ पर भक्ति चलती रही, तो हमने तकरीबन सारी रात जो है ना रात जागते रहे हैं, सोए नहीं है। तो अभी सारे मेहमान जा चुके हैं, तो यहाँ पर जो तंबू कनात वगैरह थे वो भी अभी भाई साहब जो है समेट रहे हैं, क्योंकि इन्हें पहुँचाना है ना भाई, रेंट पर लिए हुए हैं ये, तो गाड़ी वगैरह आएगी और उसको लेकर जाएंगे इसको। भाई जी इधर खोलना है, यहाँ पर स्टेज लगा हुआ था कल और डीजे वगैरह का भी इंतज़ाम था, और डीजे वगैरह जा चुका है। नहीं नहीं अभी खड़ा है, है उधर वो गाड़ी में है ना, डीजे वाला भाई उधर गाड़ी में है अभी। और कल रात ना ये सारा पंडाल जो है ना भरा हुआ था, अभी देख लो जी सुबह होते ही सारे मेहमान चले गए हैं यहाँ से। अरे भाई तो ये भाई इधर काम कर रहे हैं, हम काम करने वाले भाई हैं इधर, ये सेवादारी हैं यार, आप सेवादारी हैं काम करने वाले। जी जी सेवादारी सेवादारी, आप सेवादारी हैं काम करने वाले, नहीं आप सेवादारी मेहमानों की सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बिल्कुल। तो ये रेंट पर लेकर आया नहीं, सुबह सुबह इसे उतार कर फिर देने के लिए आएंगे। अभी कुछ मेहमान इधर ही हैं, यानी कि जो और जो नज़दीक वाले थे वो जा चुके हैं अपने अपने घरों में, और जो दूर से आए थे वो अभी यानी वो इधर ही बैठे हुए हैं, वो खाना वगैरह खा कर जाएंगे। पंडाल जो है अब इसको समेटेंगे और इकट्ठा कर कर उस रक्षा गाड़ी पर जो है लद देंगे। इसकी गांठ खोलो, अब ले जा रहे हैं बस। इन भाइयों ने हमारे चैनल का नाम पूछा है और दो तीन को मैंने सर्च करके सब्सक्राइब भी कर दिया, एक दो सब्सक्राइबर बढ़ा देना चाहिए अपने हाथों से भी, फ़ायदा होता है ना भाई। तो ये हमारे वीडियोस वगैरह भी देख रहे हैं, कुछ पहले से भी हमें जानते हैं, कुछ ने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है, कुछ आज पता लगा कुछ भाइयों को कभी कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े थे, तो इन्होंने कहा है, हमें रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमें व्लॉग में लें, तो जी बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, और शादी पर आए हुए हैं आप? यस। अच्छा तो शादी पर आकर कैसा एंजॉय किया है आपने? बहुत एंजॉय किया है। क्या नाम बताया था आपने? दीपक कुमार। दीपक कुमार, ठीक है। दीपक जो मतलब रात को चांदनी चांदनी कर देता है वो दीपक है, अपनी रोशनी से, ठीक है। और आपका क्या नाम है? शिवराम। शिवराम, तो रात यहाँ पर पहले प्रोग्राम ये देखा था? कौन सा? ये जो शिवरात वाला था। यस यस। अच्छा, और इसके अलावा क्या कहना चाहते हैं आप? और हम आपके देखने वालों को, और हम ये कहना चाहते हैं, हम आज शादी पर आए हैं। अच्छा। अभी ही दोस्त बने हैं, ये हमने कहा आप वीडियो हमारी बना दे। अच्छा, और आपने यहाँ पर आकर कितने दोस्त बनाए हैं? इधर आकर अभी तो फिलहाल एक ही बना है। कौन सा? ये वाला। वाह वाह, कैसे दोस्ती होगी आपकी इनसे? अच्छी हुई दोस्ती बस। नहीं नहीं मतलब किस तरीके से, कैसे आप मिले आपस में? मैं मोबाइल पर पिक खींच रहा था, ये आए हमारे पास, मेरे पास आए। अच्छा। कहने लगे हमसे दोस्ती करो, फिर ऐसे दोस्ती होगी। अच्छी बात है, नए नए दोस्त बनाने चाहिए, ऐसे ही प्यार से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं घर पे, और कैमरे की बैटरी एकदम से भाई लो हो चुकी है, तो कैमरे को मैंने लगा दिया है चार्जर पे, और शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो आज जो है ना व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, ठीक है। आज मुझे अपलोड करना था लेकिन आज अपलोड नहीं हो पाएगा, तो अभी एडिट करते हैं इस व्लॉग को, और एडिट करने के बाद जो है मुझे इसको अपलोड करना है, ठीक है ना, क्योंकि एडिटिंग पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और एडिटिंग करते करते जो है फिर रात पड़ जाएगी, और रात को फिर अपलोड लगा कर फिर वैसे हो जाऊँगा, सारी रात जो है अपलोड होता रहेगा। वाईफाई है, वाईफाई थोड़ी स्लो है, ठीक है ना, इतनी ज़्यादा हाई स्पीड नहीं है कि आधे घंटे में अपलोड हो जाएगी, क्योंकि घंटा ढाई दो ढाई घंटे तो एडिटिंग पे लग जाएंगे, और फिर पाँच छः घंटे जो अपलोडिंग पे लग जाएंगे, तो फिर मैं सुबह
ये इसे यानी कि पब्लिश करूँगा सुबह 8 बजे या 9 बजे, तो आप लोग देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपने लाइक करना है और नीचे कमेंट करके बताना, कमेंट शेयर करना है, और नीचे कमेंट भी करके बताना है कि ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, हमने शिवरात्रि को किस तरीके जैसे सेलिब्रेट किया, जैसे पूजा पाठ था मैंने सब आपको दिखाया, ठीक है ना। इसमें तो आपने कमेंट करके ये भी बताना है कैसा लगी और आपकी शिवरात्रि कैसी रही है, ये भी आपने हमें कमेंट करके बताना है। मिलते हैं हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टाटा यू।